स्टमक की फिजियोलॉजी को पूरा करने के बाद अब हम पेनक्रियाज की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियाज एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मिक्सोक्राइन मतलब इसमें दोनों फंक्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन फंक्शंस क्या होंगे? जब कोई सिक्रेशंस किसी डक्ट के थ्रू डायरेक्टली रिसीविंग ऑर्गन तक पहुंचते हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कही जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? किसी ग्लैंड के द्वारा होने वाले सिक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर सिक्रेट होते हैं। पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक जूसेस से बनता है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में आता है और डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करता है। पेनक्रियाज में चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। हेड, नेक, बॉडी और टेल। पेनक्रियाटिक जूसेस का जो स्राव स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है वो दो डक्ट के माध्यम से ड्यूडिनम तक आता है। एक होती है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जिसका नाम है डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग। ये लार्ज डक्ट है जो कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ के ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में खुलती है। कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ करके ड्यूडिनम के सेकेंड पार्ट में खुलती है। ये जहां खुलती है उसे कहते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। इसे हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं। हिपेटो मतलब लीवर से जो आया है और पेनक्रियाज, इन दोनों के जुड़ने से हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बनता है। हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला पर एक स्फिंक्टर भी लगा होता है जो इसके सिक्रीशंस को रेगुलेट करेगा। स्फिंक्टर का मतलब क्या होगा कि यहां पर एक कह सकते हैं कि नोजल लगी हुई है कि जब सिक्रीशंस की जरूरत नहीं है तो ये बंद हो जाता है और जब सिक्रीशंस की जरूरत होती है तो ये ओपन रहता है। तो ये सब गार्डनिंग किसके द्वारा है? ये गार्ड कौन करता है? स्फिंक्टर। इसलिए स्फिंक्टर का नाम भी है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। दूसरी जो असेसरी डक्ट है उसे कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये एक असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है जो एम्पुला ऑफ वेटर के ऊपर होती है। एम्पुला ऑफ वेटर के ऊपर खुलती है। असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट कई बार मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ भी जुड़ जाती है और वहां से उसके सिक्रेशंस ड्यूडिनम में होते हैं, और कई बार ये अलग ओपनिंग ड्यूडिनम के अंदर एक अलग ओपनिंग के माध्यम से भी खुलती है। पेनक्रियाज को जो नर्व सप्लाई है वो वेगस नर्व की नर्व सप्लाई है और इसका जो सिंपेथेटिक पार्ट है वो स्प्लेनिक नर्व के थ्रू होता है। स्प्लेनिक नर्व। पेनक्रियाज की हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें एसिनार सेल्स होती हैं।
ऐसी नार सेल्स होती हैं जो एक्सोक्राइन सेक्रेशन का काम पूरा करती हैं। ये सेल्स वैसी है जैसे हमने स्टमक में देखा कि वहां पर जी सेल्स हैं, चीफ सेल हैं, म्यूसिन सेल हैं, उसी प्रकार से पेनक्रियास के अंदर ऐसी नार सेल्स होती हैं। उन्हें सिक्रेटरी और डक्ट सेल भी कहते हैं। इनमें कुछ गुच्छे होते हैं, इन सेल्स के ना कुछ गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होते हैं। इन क्लस्टर को ऐसी नाई कहते हैं। ये देखिए लिखा है अबाउट 97-99% ऑफ क्लस्टर आर कॉल्ड ऐसी नाई, ओके, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्राव करती है। आगे देखिए, पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ये एंडोक्राइन पार्ट आप सभी जानते हैं कि पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है। मेन हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये सब सिक्रीशंस होते हैं। ये सिक्रीशंस आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस के थ्रू होते हैं। आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस जो क्या करता है, एंडोक्राइन सिक्रीशन को पूरा करता है। हमने डेफिनेशन में ही बात की कि पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो एक्सोक्राइन पार्ट कौन पूरा करेगा, एसिनार सेल्स जो कि हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू ड्यूडेनम में खुलेगा। और जो डायरेक्ट सिक्रीशन है, एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं, वो आइसलेट ऑफ लेंगरहेंस के थ्रू होते हैं। इसमें भी 1% जो क्लस्टर हैं, क्योंकि हमने देखा 97-99% क्या है, एसिनाई, तो जो 1% है वो पेनक्रियाटिक आइसलेट है, पेनक्रियाटिक आइसलेट जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इनको सिक्रीट करते हैं। देखिए यहां लिखा भी है किस तरीके से कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनते हैं। तो लीवर के दो पार्ट होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। दोनों की तरफ से एक एक डक्ट आती है जो क्या बनती है, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। फिर ये दोनों डक्ट जुड़ जाती है, जुड़ करके क्या बनाएंगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट से भी जुड़ जाती है, तब ये क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट आगे किससे मिलेगी, हालांकि सिक्रीशन दोनों के अलग अलग, लेकिन ये मिलके इकट्ठी खुलती हैं ड्यूडिनम में, तो ये मिलती है पेनक्रियाज से, ये मिलती है पेनक्रियाज से, ये बनाती है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक जूस के कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस भी एक दिन में 1000 से 1500 ml तक सिक्रीट होता है, तो ये बराबर क्वांटिटी है। अभी तक सेलाइवरी ग्लैंड्स भी इतने ही सिक्रीशंस करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में थी वो भी इतने ही सिक्रीशन करती है, और पेनक्रियास भी 1000 से 1500 ml का सिक्रीशन प्रतिदिन करता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010 1.018 और इसका रिएक्शन है हाईली एल्कलाइन। तो आप समझ गए होंगे कि स्टमक की तरफ से जो सिक्रीशंस आए थे वो कैसे थे, हाईली एसिडिक। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसे रखना पड़ा हाईली एल्कलाइन। इसका जो पीएच है वो 7.8 से 8.4 तक होता है।
तो पेनक्रेटिक जूस में भी पहले के जैसे ही वाटर कंटेंट ज्यादा है 99.5% और सॉलिड जो है वो 0.5%। इसमें जो सॉलिड्स हैं उसमें आप नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेनक्रिएटिक अमाइलेज, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, दूसरा पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज, दूसरा पेनक्रिएटिक फोस्फोलाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज। तो इंपॉर्टेंट हैं ये सारे एंजाइम्स, इनमें से जितने भी नाम आप याद रख सकें वो जरूर रखिए, स्पेशली ट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेज, फोस्फोलाइपेज, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये लगभग बराबर ही है, बाइकार्बोनेट्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है। फंक्शंस क्या करते हैं ये देखिए, फिजियोलॉजी के हिसाब से पेनक्रिएटिक जूसेस क्या करते हैं। सबसे पहला है पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और स्टार्च का डाइजेशन यहां आकर के कंप्लीट हो जाता है। तो ये शुरू कहां से हुआ था, ये शुरू हुआ था सलाइवरी अमाइलेज से। आपको ध्यान हो तो जब हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे थे वहां पे भी आया था सलाइवरी अमाइलेज, तो वहां स्टार्च का डाइजेशन शुरू हुआ था। पूरा कहां होगा, जब पेनक्रिएटिक अमाइलेज का रिएक्शन होगा। यह एंजाइम स्टार्च दोनों ही तरह का, बॉइल्ड और अनबॉइल्ड, और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है लिपोलाइटिक एंजाइम या लाइपोलाइटिक। अब हमें नाम से ही पता है इसका, लाइपो या लिपिड मतलब फैट। तो ये क्या करता है, फैट का डाइजेशन करेगा, लिपिड का डाइजेशन करेगा। ओके, पेनक्रिएटिक लाइपेज। तो यह एंजाइम न्यूट्रल फैट और ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखें आप। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि ये ग्लिसरॉल इस्टर्स या मोनोग्लिसराइड्स, इनमें भी कन्वर्ट करता है किनको, न्यूट्रल फैट को। ओके, आगे देखिए इसकी जो पीएच रेंज है किसकी, पेनक्रिएटिक लाइपेज की, वो 7 to 9 होती है। वाटर सॉल्यूबल है इसीलिए इसने हाइड्रोलाइसिस किया अभी, ठीक है। और इट एक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ कोलिपेज। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्यूबल है और कोलिपेज की प्रेजेंस में अपना काम करता है, फैट का डाइजेशन करता है बेसिकली, और इसका पीएच आप ध्यान रखें। पेनक्रिएटिक कोलिपेज क्या है, लाइपेज के साथ काम करेगा और फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। कोलेस्ट्रोल हाइड्रोलेज क्या होगा, ये कोलेस्ट्रोल इस्टर्स को फ्री करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये तीनों चारों ही क्या कर रहे हैं, फैट का डाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो प्रोटीन के लिए आया है, लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पेनक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या क्या आएगा, ट्रिप्सिन सबसे पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये ट्रिप्सिनोजिन में सिक्रीट होता है, ठीक है। और ड्यूडिनम में जो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, जब वो काम करेगा तो ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां तो इनएक्टिव फॉर्म में है, जब ड्यूडिनम में जाएगा तो वहां जाके एक्टिव हो जाएगा। क्या करता है, प्रोटीएज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रोटीन
हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पॉलीपेप्टाइड्स की ही चेन होती है सभी सेल्स के अंदर, तो यहां उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये पूरा किसके द्वारा होगा? ट्रिप्सिन के द्वारा, और जो पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है। केमोट्रिप्सिन को एक्टिव कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी ट्रिप्सिन का है। यहां से कुछ अमीनो एसिड्स भी बनते हैं। प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट करता है। प्रो कोलिपेज को कोलिपेज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है ट्रिप्सिन, क्यों इसको इंपॉर्टेंट कहा है? क्योंकि ये मैक्सिमम एंजाइम्स को उनकी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर लेके आता है। ठीक है, जैसे आगे कीमोट्रिप्सिन लिखा है, कीमोट्रिप्सिनोजिन क्या है? इनएक्टिव है, कन्वर्ट होगा कीमोट्रिप्सिन में। किसके द्वारा होगा? ट्रिप्सिन के द्वारा होगा। काम क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, और मिल्क का क्वाइगुलेशन भी करता है। मिल्क को क्वाइगुलेट करता है, जमाता है। फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज अभी हमने देखा कि प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए और बी ये कैसे थे? इनएक्टिव थे। इनको एक्टिव किया है किसने? ट्रिप्सिन ने। और ये काम क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड्स और दूसरे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ऐसे राइबोन्यूक्लिएज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और राइबोन्यूक्लिएज, ये आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ एंजाइम्स की बेसिक जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास 10 नंबर में पूछा जाए, तो आप शुरू से ही शुरू करेंगे कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इतने पार्ट्स होते हैं, ये एंजाइम्स इनसे सिक्रेट होते हैं, ये इनकी इनएक्टिव फॉर्म है। नर्वस रेगुलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।